आज मैं आप लोगों के साथ दो DIY शेयर करने वाली हूँ। इसको हम टी लाइट होल्डर या कैंडल होल्डर की तरह यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुनीता रथ। वेलकम बैक टू सुनीता रथ वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड को राउंड शेप में कट करके लिया है और जो पिस्ता सेल्स हमारे पास होते हैं उसी को इस तरह से मैं लगाते जा रही हूँ। हमें यहाँ पे पूरे चारों तरफ लगा देना है। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही मैं सेकेंड और थर्ड राउंड को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए, ये मेरा 3 राउंड्स यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा टी लाइट होल्डर बन के रेडी हो गया है। इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये जो धागा था इसको मैं कट करके ना यहाँ पे इस तरह से लगा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर लेस वगैरह भी लगा सकते हैं या कुछ और भी डिजाइन कर सकते हैं। जो मेरे पास अवेलेबल है उसी को यूज़ करके मैं बना रही हूँ। यहाँ पे कलर कर रही हूँ। आप चाहे कोई भी कलर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रेड दे रही हूँ। यहाँ पे पूरा रेड मैंने दे दिया है और इसका जो ऊपर वाला पार्ट में ना एक येलो का मैं पतले से लाइन दे रही हूँ, गोल्डन येलो का आप दे सकते हैं। इसको हाइलाइटर की तरह मैं दे रही हूँ। इसको पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, पूरा कंप्लीट कर दिया है मैंने यहाँ पर और इस तरह से कुछ दिख रहा है। चलिए आप लगा के देखते हैं। कैंडल्स लगा सकते हैं या आप चाहे तो फिर टी लाइट को भी इस तरह से लगा के रख सकते हैं। ये आप दिवाली के टाइम पे या कुछ और भी ओकेजन में इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा। यहाँ पे मैंने मिट्टी का एक बर्तन लिया है। जैसे हम कुछ खाते हैं रबड़ी वगैरह तो उसके साथ ये हमें मिल जाता है, तो इसको मैंने फेंका नहीं, इसको रखा हुआ था। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको फेंका नहीं। इसको भी कुछ DIY बनाती हूँ। तो इस तरह से मैंने पहले वाइट एक्रेलिक का कलर दे दिया है। अब उसके ऊपर कुछ दूसरा कलर्स लेके डेकोरेट कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। कुछ इस तरह से मैं कलर्स लेके डिजाइंस बनाते जा रही हूँ जो मेरे को अच्छा लग रहा है। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे बना सकते हैं। कुछ और भी मैं इसके ऊपर बना दूँगी और पीछे की तरह भी कंप्लीट कर दूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ऐसा कुछ बन गया है। होप आप लोगों को पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।